पे डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू कमोडिटी मार्केट। एंड मैं आपको उसके कुछ टाइप्स डिस्कस करूंगी और एक डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे इन वीडियो में, ठीक है। तो एग्जैक्टली कमोडिटी मार्केट क्या होता है? कमोडिटी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे हमारे ह्यूमन बींग्स की फंडामेंटल नीड्स को फुलफिल किया जाता है, ठीक है। जैसे कमोडिटी मार्केट हैव बीन इन योर लाइफ्स एवर सिंस द सिविलाइजेशन स्टार्टेड। अब फर्स्ट पॉइंट है आपके इंट्रोडक्शन के, कमोडिटी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है। अपने हमारे ह्यूमन बींग्स की जो भी फंडामेंटल राइट्स रहती है, जैसे जो भी हमको पहले के ज़माने में था, रोटी कपड़ा मकान मिल गया, बहुत ही सब कुछ खुश हो जाते थे। लेकिन अभी हमारी जो बेसिक नीड्स है उसमें फ़ोन है, आईफोन है, आईपैड है, लैपटॉप है, कंप्यूटर चाहिए, ये चाहिए, तो ये सब क्या है, ये एक ह्यूमन बीइंग की फंडामेंटल नीड्स है। तो कमोडिटीज़ ऐसा होता है जो कमोडिटीज़ मतलब कि वो चीज़ें जिससे फुलफ़िल हो सके हमारी नीड्स। कमोडिटी मतलब कोई चीज़ें होती है जिससे हमारी नीड्स को फुलफ़िल किया जाता है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कमोडिटी मार्केट का, उसकी फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस करती हूँ। कमोडिटी मार्केट हैव बीन इन अवर लाइफ्स एवर सिंस द सिविलाइजेशन स्टार्टेड, मतलब जब से जमाना चलता आ रहा है तब से कमोडिटीज़ हमारे लाइफ्स में चलती आ रही है। सेकंड पॉइंट, कमोडिटीज़ फुलफिल फंडामेंटल नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। कमोडिटीज़ एक नीड्स है जो फुलफिल करती है ह्यूमन बींग्स की नीड्स को। थर्ड पॉइंट, द टर्म कमोडिटी रेफर्स टू एनी मटीरियल which can be bought or sold। कमोडिटी एक ऐसा टर्म होता है, ऐसा मटेरियल होता है जिसे हम खरीद भी सकते हैं और हमारे पास अगर वो चीज़ हो तो हम उसको बेच भी सकते हैं, ठीक है। कमोडिटीज़ आर ऑल्सो यूज एज इनपुट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज। कमोडिटीज़ ऐसी इनपुट्स होती है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों बाय एंड सेल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, योर अ मार्केट वेयर कमोडिटीज़ आर ट्रेडेड इज रेफर्ड टू एज अ कमोडिटी मार्केट। ऐसा मार्केट जहाँ पे कमोडिटीज़ को ट्रेडिंग किया जाता है, बाय और सेल होता है, ऐसे मार्केट को हम कमोडिटी मार्केट बोलते हैं। जैसे हर एक चीज़ का मार्केट होता है वैसे कमोडिटीज़ का भी मार्केट होता है। अगर हमको अगर कुछ क्लोथ्स रिक्वायर्ड होते हैं तो हम क्लोथ्स के मार्केट में जाते हैं, कपड़े के मार्केट में जाते हैं। वैसे ही अगर हमको कोई कमोडिटी परचेस करनी है तो उसके लिए भी हमको किसी मार्केट में जाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज योर कमोडिटीज़ आर रॉ और प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज। अभी मैं आपको बताती हूँ रॉ क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होता है, अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगी। आगे चल के एक पॉइंट है जिसमें आपको बता दूंगी कि एक्चुअली कमोडिटीज़ की रॉ और प्राइमरी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं। एक बुलियन होता है जिसमें आपको गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें क्या है, बहुत कॉस्टली मिलती। जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, प्लैटिनियम हुआ, तो ये हर एक चीज़ के लिए, हर एक पर्सन के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है। तो ये किस में आता है, ये बुलियंस में आते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम, ये हर एक चीज़ के लिए, मतलब हर एक को ये कंपलसरी नहीं होता है, इनके बिना भी लोग रह सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बुलियन। नेक्स्ट है नॉन फेरियस बेस, जिसमें मेटल, जिंक, कॉपर, लीड, एल्यूमिनियम, टिन, निकल एक्सेट्रा। कॉपर के हम लोग सब, हर एक मेटल के, कॉपर के, ये सब एल्यूमिनियम के हम लोग बर्तन यूज़ करते हैं, तो ये एक थोड़ा सा अप्रोक्स 60% ये ज़रूरी होता है, हमको वो चीज़ें होंगी तभी हम आगे चल के कुछ कर पाएंगे, ठीक है। जैसे बर्तन होगा तो हम कुछ खाना बनाएंगे, गैस होगी तो हम खाना उसमें बनाएंगे, तो गैस की भी किसकी होती है, एल्यूमिनियम की होती है, स्टील की होती है। तो ये सब क्या है, नॉन फेरियस बेस, एटलीस्ट 70-60% ये सब चीज़ें हमको रिक्वायर्ड रहती है हमारे कमोडिटीज़ में। नेक्स्ट इज़ योर एनर्जी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। अभी गैस होगी तभी खाना बनेगा, तो उसकी भी रिक्वायर्ड होगी, क्रूड ऑयल भी चाहिए हमको, एनर्जी भी चाहिए, तो ये सब क्या है, नॉन फेरियस बेस है। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ कौन सी होती है, जो भी चीज़ें एग्रीकल्चर से हमको मिलती है ना, उसको एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ बोला जाता है। जैसे सोया ऑयल, प्लाम ऑयल, कॉफ़ी, पेपर, कैशू नट्स, ये सब चीज़ें हमको एग्रीकल्चर से मिलती है, तो ये सब चीज़ें क्या है, एक एग्रीकल्चर कमोडिटी है। नेक्स्ट इज़ योर कन्वेंशनली मार्केट इज़ अ प्लेस डिफाइंड एज पर बायर्स एंड सेलर्स मीट टू एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन यूजअली मनी। अभी कन्वेंशनली मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है, ज़रूरी नहीं है कि कमोडिटी मार्केट, हर एक मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे लोग परचेज करते हैं, सेल करते हैं कुछ पैसा कमाने के लिए, कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, कन्वेंशनली मार्केट एक ऐसी जगह है जिसको बायर्स और सेलर्स, जिसमें एक्सचेंज होते हैं, किसको होता है तो सेल करते हैं, किसको नहीं होता है तो वो परचेज करता है। तो ये क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज वो लोग खरीदते बेचते हैं कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए, यूजुअली मनी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर इन टुडेज मार्केट
बायर्स एंड सेलर्स मीट एक्सचेंज इन एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। आज का जो मार्केट है जिसमें बायर्स और सेलर्स जिसमें एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसमें मीटिंग्स कर रहे हैं, यूजुअली वो एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस में, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को यूज़ करके अपना वो लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपने कमोडिटीज़ को कम्प्लीट कर रहे हैं। तो आज का जो मे है वो है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस में भी फुलफ़िल कर सकते हैं अपनी बेसिक फंडामेंटल नीड्स को। अभी मैं आपको एक डेफिनेशन बताती हूँ जो एकदम सिंपल लैंग्वेज में है। डेफिनेशन ऑफ कमोडिटी, अ कमोडिटी मार्केट इज़ अ फिजिकल एंड वर्चुअल मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग एंड ट्रेडिंग रॉ और प्राइमरी प्रोडक्ट्स। अभी अगेन यहाँ पे रॉ और प्राइमरी प्रोडक्ट्स आ गया, फिर भी मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको ये तब बताऊंगी जब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें स्पेशली बताया गया है कि उसके टाइप्स क्या है। तो लेट्स अभी हम डिस्कस करते हैं कि डिफाइन क्या है कमोडिटी का, कमोडिटी की डेफिनेशन क्या है। कमोडिटी एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे फिजिकल भी हम लोग कर सकते हैं और वर्चुअल मार्केट प्लेस में भी हम डील कर सकते हैं, हम सेल कर सकते हैं, हम बाय कर सकते हैं, हम ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो आपका डेफिनेशन तो क्लियर हो गया होगा कि कमोडिटी मार्केट क्या होता है। अभी मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ कि आपके टाइप्स क्या है कमोडिटी मार्केट के। आप कमोडिटी मार्केट के कुछ टाइप्स है जैसे एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। सो फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि टाइप्स क्या है कमोडिटी मार्केट के। फर्स्ट है आपका एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो होते हैं जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, मैंने आपको लास्ट इंट्रोडक्शन में बताया था कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ वो कमोडिटीज़ होती है जो एग्रीकल्चर से हमको मिलती है। ठीक है, जो फार्मर्स ग्रो करते हैं, तो एग्रीकल्चर से कौन सी होती है, वीट, जवार, कॉटन, राइस, सोयाबीन, प्लम ऑयल, चना, बाजरा, मूंग, जीरा, ये सब क्या है, एक एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ है जो हमको एग्रीकल्चर से मिलती है, फार्मिंग करके मिलती है। नेक्स्ट इज़ योर नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक ऐसे प्रोडक्ट होता है जो माइनिंग करके, जो खोद के निकाला जाता है, ज़मीन को खोद के जो भी चीज़ें निकाली जाती है उसको नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आता है। जैसे माइनिंग हुआ, गोल्ड, सिल्वर, जो बिलियंस है, हर एक के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है तो उसको बिलियंस बोला जाता है। जिंक, कॉपर, मेटल, निकल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये सब चीज़ें क्या है, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आती है। आज के वीडियो में बस इतना ही था। आपको मैंने इंट्रोडक्शन बताया कि एग्जैक्टली कमोडिटी मार्केट क्या होता है, उसका एक डेफिनेशन बताया, उसके दो टाइप्स बताए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट।